गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी अभी नहा लिया है, फ्रेश हो गई हूँ और अब बाल वेट ही है। अभी तक अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। बाल जब भी धोती हूँ ना, पता नहीं ऐसे एकदम फ्रेश लगता है। जब ऐसे सिंपल से नहाती हूँ तो इतना नहीं लगता है, जब बाल वॉश करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो चाय पी लेती हूँ। हमेशा की तरह ये चाय पी के गए हैं, सुबह की चाय हो गई है एक बार इनकी। और बस मेरा गर्म पानी मैंने पहले ही पी लिया था सुबह ही, लेमन हनी वाटर। और उसके बाद अभी चाय भी लेती हूँ, गुड़ की चाय, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। तो चलिए बाद में मिलती हूँ आपसे। माझा बर्थडे होता। अच्छा, घ्या। भरपूर आहे ना, मग याच्यापेक्षा मोठी घेऊ शकतो आपण। म्हणजे मला फक्त हे पाहायचं होतं की याच्यापेक्षा मोठी घेऊ शकतो का आपण। नाही आता नाही आहे, पण मोठी घेऊ शकतो का? ही नाही बसत आहे ना ही। ही तर नाही बसणार ते। हा हा हा, बरोबर आहे, नाहीतर बसली असते ती। एवढी बसते समजा। बरं ठीक आहे, मग आता तेवढे जाणार लागेल। ये आज बनाया है रोटी का चूड़ा। बहुत सारी कल की रोटियां बची थी यार, और मेरी एक फ्रेंड आने वाली थी एक्चुअली, वो आई नहीं और उसके घर पे सडनली गेस्ट आ गए, इसी वजह से वो नहीं आई। तो उसके ऊपर की जो रोटियां थी तो वो उसका मुझे चूड़ा बनाना पड़ा। और ये है यहाँ पर मट्ठा, तो आज मट्ठा और ये चूड़ा ही खाने वाले हैं हम सब। और कल रात की थोड़ी सी सब्जी भी बची है, तो मैंने दो चार रोटियां रखी है, ये बोलेंगे तो ताज़ी बना दूंगी और वो खा लेंगे। और यहाँ पर हम लोग चूड़ा खा लेंगे। बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है हमारा रोटी का चूड़ा। किस किस का फेवरेट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यही आज हम लोग लंच में खाने वाले हैं। यहाँ पर माही का कंप्यूटर टेबल बन रहा है एक्चुअली। ये पता नहीं अभी उसके रूम में रहेगा या नीचे वाले बेडरूम में रहेगा, क्योंकि उसके रूम में जगह नहीं है अभी। बट उसके लिए कंप्यूटर लेने वाले हैं हम लोग, मतलब डेस्कटॉप लेने वाले हैं, तो इसी वजह से ये टेबल बन रहा है। थोड़ा सा गलत कर दिया था उन्होंने, इसी वजह से पूछ रहे थे, तो मैंने उनको बोला, सही कर दिया फिर उन्होंने बाद में। तो ये टेबल बन रहा है अभी। यह है वो मैडम जो जिसकी वजह से हमें आज बासा खाना पड़ा। हाँ, अरे तू जस्त साठी स्वयंपाक करून ठेवला होता ना, मग काय करणार आहे, तो स्वयंपाक खावा लागला। अभी इसके लिए मैं कल का, मतलब कल जैसे पनीर बनाया ना, वैसे ही आज पनीर बनाने वाली हूँ। आज आई है मैडम और उसकी सिस्टर भी आई है साथ में। अरे ये का, और मैं जीरा राइस बना रही हूँ अभी, बनाने वाली हूँ पनीर की सब्जी जैसे मैंने कल बनाई थी। तो यहाँ पर सब कुछ रेडी है, सिर्फ अभी टमाटो काटना है। तो टोमेटो ये लेने गया है क्योंकि टोमेटो खत्म हो गए हैं। तो अभी बनाने वाली हूँ जो कल सब्जी बनाई थी, सेम वैसे ही सब्जी बनाने वाली हूँ। आज रेसिपी नहीं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, बस जीरा राइस बनाती हूँ और पनीर की सब्जी बनाती हूँ, और मैडम खाएगी आज मेरे हाथों से बनी हुई सब्जी। है निकिता की सिस्टर,
तो ये दोनों आने वाले थे कल, एक्चुअली इनके घर पे कोई गेस्ट आ गए तो इसी वजह से इनका आना नहीं हुआ, तो आज इनके लिए खाना बना रही हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, आज भी पार्टी करेंगे हम, है ना। तो बस सेम खाना बनने वाला है जो कल बना था, मतलब बर्थडे के दिन बना था, वही सेम खाना बनने वाला है आज भी। वही मलाई पनीर की सब्जी, उसके बाद जीरा राइस और रोटी, तो यही सब कुछ होने वाला है आज भी, क्योंकि कल नहीं आई थी ना वो, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज भी उसके लिए वही बनाती हूँ। और अब कल थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम हो गया था, गेस्ट आ गए थे उसके घर पे, इसी वजह से नहीं आ पाई। तो कोई बात नहीं, सुबह हमें वही बासा खाना पड़ा यार, आपको तो दिखाया ही है मैंने कि और हाँ हमें पसंद भी है, मतलब रोटी का चूड़ा, अगर रोटियाँ बचती नहीं है ना ज़्यादा, तो इसी वजह से रोटी का चूड़ा खाने के लिए नहीं मिलता है। जब रोटियाँ बच जाती है तो हमें लगता है कि चलो यार आज बच गई है तो हम रोटी का चूड़ा ही बना लेते हैं। और वैसे ये कल सुबह से ड्यूटी गए थे तो शाम को ही वापस आए, तो इनके लिए भी खाना बनाना था, तो यही हो गया है। और आज खड़े मसाला डालना नहीं भूली मैं, आज सबसे पहले खड़े मसाले डाल दिए, क्योंकि कल गलती हो गई थी ना, तो एक बार हो जाती है गलती, तो आज खड़े मसाले पहले डाल दिए, उसके बाद ऑनियन और वो डाल दे रही हूँ, क्या बोलते हैं, तो टोमेटो डाल दे रही हूँ, बस वो डाल दूँगी, और उसके बाद पनीर वगैरह फ्राई करके रख दूँगी। और सेम कल रेसिपी जैसे शेयर की मैंने, वैसे ही सेम ही सब्जी बनाने वाली हूँ, तो बस अपनी सब्जी बना लूँगी और फिर हम लोग एंजॉय करेंगे खाना। तो जो भी होगा वो आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और ये फ्रेंड मेरी काफ़ी दिनों के बाद आई है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम लोगों ने पहले तो बातें ही की, कितने देर तक बातें ही की, तो उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए लगी थी, तो यहाँ पर बन गई है मेरी सब्जी। उसमें सिर्फ धनिया पत्ता ऐड करना है, और वहाँ पर जीरा राइस भी रेडी है, रोटियाँ भी रेडी है, तो बस खाना खाने के लिए ही बैठ जाएंगे। इसके बाद दो दो दिन पार्टी हो रही है, बर्थडे के दिन भी और बर्थडे के दूसरे दिन भी पार्टी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए फिर अभी आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। खाना तो पूरा बन ही गया है। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी फ्रेंड मैं बोल रही हूँ और वो इतनी छोटी कैसे, इसे आप पहले भी देख चुके हो मेरे ब्लॉग में। जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो पता ही होगा, बट जो न्यू ज्वाइन हुए हैं उन्हें नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूँ, ये मेरी जिम फ्रेंड है इसी वजह से, और वो मेरे छोटे बहन जैसी ही है, तो इसीलिए वो मुझे बड़ी दीदी समझती है और मैं उसे छोटी बहन समझती हूँ। तो इसी वजह से हम लोगों की फ्रेंडशिप है, और काफ़ी दिनों से फ्रेंडशिप है, जब से मैंने जिम ज्वाइन की थी तब से मेरी और उसकी फ्रेंडशिप है, तो काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है हमारी। तो इसी वजह से हम लोग ऐसे ही बीच बीच में मिलते रहते हैं, और आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ जब भी वो आती है। बीच में एक दो बार आई थी, बट उस टाइम नहीं शेयर करना हुआ, मतलब उस टाइम मेरे घर पे काम चल रहा था, तो इसी वजह से मैंने शूट ही नहीं किया। बस दिन भर हमने एंजॉय किया, बातें की, बस उतना ही किया था, उस टाइम शूट नहीं हुआ। बाय बाय बाय, लवकर ही भेटू अपन परत, लवकरच ये बघ। चला बाय बाय, तो फुगलेला है। नहीं तो बोलणारच नाही आता, जोपर्यंत त्याला बरं नाही वाटणार ना तो बोलणारच नाही। आता भाव काय आता येतो काय झालं, काय तुला काय झालं? तो गाइज फ्रेंड चली गई है अपने घर, एक्चुअली ये छोड़ने गया है उसे, बहुत लेट हो गया है ना, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी अभी तक, इसी वजह से वो जा नहीं पाई। अभी बारिश थोड़ी सी रुक गई है, तो इसी वजह से वो निकल गई है, और इतना लेट हो गया था तो इसी वजह से उसको अकेले जाने देने का मन नहीं कर रहा था, तो ये गया है उसके साथ छोड़ने के लिए उसे। और इतने दिनों के बाद मिली ना, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, काफी दिनों के बाद मिले हैं हम लोग, मतलब हाँ क्या, अरे कुछ भी पोछा मार रहा है, क्या कर रहा है, देखो पोछा मार रहा है बेचारा, क्यों क्यों मार रहे हो? लेकिन पापा को अच्छा देखना चाहिए, अभी तो देखा ना पापा ने, अभी तो देखा है ना, पापा को पता है ना घर कैसा दिख रहा है, तो देखो पापा को अच्छा दिखना चाहिए, उसकी वजह से पोछा मार रहा है बेचारा। नहीं नहीं बेटा, बस 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 हो गया अद्विक, हो गया बेटा, अरे बोलोगे की चाइल्ड लेबर कर रहा है क्या कर रहा है बेचारा अद्विक, तो चाइल्ड लेबर नहीं, उसकी खुशी है वो लिए। तो चलिए फिर, आई होप गाइज आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा तो उसको ऑल पे क्लिक करना मत भूलेगा।
ऑल पे क्लिक करना ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करना। और आपने अभी तक मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों चैनल का लिंक, मतलब इसके अलावा मेरे दो चैनल है और आपने अभी तक उसको चेक नहीं किया है तो उसको चेक करिए। वो अगर पसंद आता है तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया है ना तो इंस्टा पे फॉलो कर दीजिए। फ्रेंड के साथ मैंने बहुत अच्छे अच्छे रील्स बनाए हैं, अभी वो देखने के लिए आपको इंस्टा पे जाना पड़ेगा। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत अच्छे अच्छे रील्स बनाए हैं, आपको हंसी आएगी देख के। तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर देना इंस्टा पे भी। और माही के नाम से, माही लाडे के नाम से माही की आईडी है तो वहां पर भी माही को फॉलो कर सकते हो आप। तो एक बार जरूर चेक कर लेना। अगर माही के अकाउंट पे जाओगे तो मेरा अकाउंट दिख जाएगा, मेरे अकाउंट पे जाओगे तो माही का अकाउंट दिख जाएगा। तो दोनों को भी फॉलो कर देना इंस्टा पे। चलिए फिर, और जाते जाते लाइक जरूर कर देना यार, लाइक करने में आप बहुत ही ज्यादा कंजूसी करते हो। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।